गुड मॉर्निंग एवरी वन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंप्यूटर सिस्टम विथ टॉपिक आउटपुट डिवाइसेस, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर एंड रोबोट्स एंड मशीन्स टूल्स। आज हम इसमें कंप्यूटर सिस्टम के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। द प्रोसेस रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड आउटपुट। जो भी प्रोसेस्ड रिजल्ट या जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर सिस्टम हमको देता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। एनी हार्डवेयर इक्विपमेंट डैट गिव्स आउटपुट डैट इज जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस। कोई भी हार्डवेयर इक्विपमेंट, कोई भी कंप्यूटर का हार्डवेयर जो हमें कंप्यूटर्स द्वारा जो जनरेटेड आउटपुट होता है उसको दिखाता है, वो हमें आउटपुट देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स। जो सबसे ज़्यादा कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हैं आपका मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स। अ मॉनिटर और वीडियो गिव्स आउटपुट एज विजुअल डिस्प्ले। जो मॉनिटर होता है वो हमें विजुअल डिस्प्ले के रूप में हमको आउटपुट देता है। स्पीकर गिव्स साउंड आउटपुट। स्पीकर से हम साउंड को सुन पाते हैं, एज अ साउंड आउटपुट हमको मिलता है। अ प्रिंटर प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ द डाटा ऑन पेपर। और जो प्रिंटर होता है वो हमें डाटा को हार्ड कॉपी के रूप में, मतलब पेपर पर प्रिंट करके डाटा को हमको आउटपुट दिखाता है। तो देयर आर वेराइटी ऑफ आउटपुट डिवाइसेज लाइक वीडियो और मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, रोबोट्स एंड मशीन टूल्स। आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सब नेक्स्ट है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो ऑल्सो कॉल्ड मॉनिटर और स्क्रीन गिव्स आउटपुट एज विजुअल डिस्प्ले। विजुअल डिस्प्ले यूनिट को हम मॉनिटर या फिर इसको स्क्रीन भी बोलते हैं, जो हमको डिस्प्ले दिखाता है, एज अ आउटपुट हमको दिखाता है। फिजिकली इट लुक्स सिमिलर टू अ टेलीविज़न स्क्रीन और डिस्प्ले बोथ इमेजेस एंड टेक्स्ट। ये दिखने में बिल्कुल टेलीविज़न मतलब टीवी जैसा होता है और ये हमें इमेज और टेक्स्ट दोनों दिखाता है। द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी बिकॉज इमेजेस डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन आर टेम्प्ररी। जो भी हम आउटपुट मॉनिटर पर देखते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें टेम्प्ररी मतलब केवल स्क्रीन पर ही दिखाई देता है, टेम्प्ररी होता है। अ वीडियो इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ कलर्ड लाइट कॉल्ड पिक्सल्स। जो वीडियो होते हैं वो छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलके बने होते हैं, कलर्ड लाइट से मिलके बने होते हैं, जिसे हम पिक्सल्स बोलते हैं। द मोर द नंबर ऑफ पिक्सल्स द बेटर द रिजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतने ही हाई हमारे स्क्रीन की रिजोल्यूशन होगी एंड द क्लियरिटी ऑफ द आउटपुट। द स्टैंडर्ड वीडियो वॉज ऑरिजिनली अ टेक्स्ट ओनली मोड। जितना जो भी स्टैंडर्ड वीडियो होता है वो केवल टेक्स्ट ओनली मोड का होता है। बट स्लोली द रिजोल्यूशन ऑफ वीडियोज़ वर इंक्रीज्ड। और जैसे जैसे फिर बाद में वीडियोज़ के रिजोल्यूशंस को बढ़ाया गया तो वो बाद में फिर उसने ग्राफिक्स मोड को भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर्स के बारे में। इसके बाद मॉनिटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जो मॉनिटर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है CRT मॉनिटर्स, सेकंड है LCD मॉनिटर्स, थर्ड है LED मॉनिटर्स और फोर्थ है टच स्क्रीन्स। इसके बाद है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस डैट प्रिंट्स आउट इन्फॉर्मेशन इन द कंप्यूटर ऑन टू अ पेपर। जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है जो इन्फॉर्मेशन को हमें पेपर पर प्रिंट करके देती है। द आउटपुट ऑन अ पेपर इज़ नोन एज हार्ड कॉपी। जो भी हम पेपर पर प्रिंट करके जो आउटपुट लेते हैं उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। प्रिंटर्स आर क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर स्पीड एंड प्रिंट क्वालिटी। प्रिंटर्स भी जो हैं डिफरेंट टाइप्स में इनको क्लासीफाई किया गया है, जो उनके स्पीड और उनकी प्रिंट क्वालिटी पर बेस्ड होते हैं। द टू मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज अ प्रिंट हैड कंटेनिंग अ नंबर ऑफ मेटल पिंस विच स्ट्राइक्स ऑन इंक्ड रिबन
placed between the print head and the paper. जो प्रिंट इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो एक मेटल की पिन होती है उनके पास जो इंक से भरी होती है, और जब भी हम कोई भी चीज़ को प्रिंट करते हैं तो वही पिन्स जो होती हैं वो पेपर पर स्ट्राइक करती हैं, तो इससे क्या होता है कि वो पेपर को प्रिंट कर देती हैं. ड्यू टू दिस मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन कॉम्पोनेंट्स, ये कॉम्पोनेंट्स के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है कि इसके पिन्स जो है पेपर पर स्ट्राइक करती हैं, उसके बाद जो डाटा प्रिंट होता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस वाइल प्रिंटिंग. तो इस वजह से यहाँ पर जो प्रिंटिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नॉइस होता है. सच प्रिंटर्स हैव लोअर स्पीड ऑफ प्रिंटिंग, और इस टाइप के जो प्रिंटर्स होते हैं उनकी प्रिंटिंग स्पीड भी काफ़ी स्लो होती है. इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटिंग हेड्स एंड द प्रिंटिंग सरफेस. और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, उनके जो फिजिकल सरफेसेस जो भी हम बनाते हैं या फिर जो हम पेपर को प्रिंट कर रहे होते हैं तो उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है. सो द प्रिंटिंग इज़ मच क्वाइटर एंड ऑलमोस्ट नॉइसलेस. तो जो भी प्रिंटिंग होती है बहुत ही क्वाइटर होती है, मतलब उसमें बिल्कुल भी नॉइस नहीं होता है, नॉइस लेस होती है. सच प्रिंटर्स आर वेरी फास्ट विद एन एबिलिटी टू प्रिंट अ लॉट ऑफ पेज पर मिनट. और ये जो प्रिंटर्स होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं और ये पर मिनट के हिसाब से कई ज़्यादा पेपर्स को प्रिंट भी कर सकते हैं. इसके बाद है प्लॉटर. प्लॉटर आर स्पेशल आउटपुट डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस आउटपुट ऑन अ पेपर और पॉलिएस्टर फिल्म्स. जो प्लॉटर्स होते हैं वो एक स्पेशल आउटपुट डिवाइस होती है जो आउटपुट को पेपर पे या फिर पॉलिएस्टर फिल्म्स पर प्रिंट करते हैं, मतलब थोड़ा हैवी पेपर होता है, प्लास्टिक टाइप में होता है, उस पर वो प्रिंट कर देता है. प्लॉटर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफ्स, चार्ट्स, डायग्राम्स एंड विजुअल्स. प्लॉटर्स का यूज़ हम हाई क्वालिटी के जो ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, उनको बनाने के लिए, उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर्स का यूज़ किया जाता है. दे कैन प्रोड्यूस सिंगल और मल्टी कलर्ड आउटपुट्स. आप इससे सिंगल कलर्ड या मल्टी कलर्ड आउटपुट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. लाइक दे आर यूज फॉर स्पेशलाइज ड्राइंग विद एप्लीकेशन लाइक CAD विच रिक्वायर हाई क्वालिटी प्रिसीजन ग्राफिक्स. इसका जो स्पेशलाइज्ड जो ड्राइंग्स होती हैं वो हम इसमें प्रिंट करते हैं, जैसे CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस, जो काफ़ी हाई क्वालिटी की डिज़ाइंस होती हैं उनका ग्राफिक्स बनाया जाता है. अ प्लॉटर कैन बी कनेक्टेड टू द पोर्ट नॉर्मली यूज्ड बाय अ प्रिंटर. और जिस तरीके से हम प्लॉटर, जैसे हम प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, उसी तरीके से ठीक हम अपने प्रिंटर, अपने प्लॉटर को भी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं किसी एक पोर्ट के द्वारा. पोर्ट मतलब जो उसके प्लग होते हैं उनको जैसे हम प्रिंटर में लगाते हैं, वैसी तरीके से प्लॉटर्स के प्लग को भी हम अपने CPU में लगा देते हैं. प्लॉटर कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग टाइप्स: फ्लैट बेड प्लॉटर्स, ड्रम प्लॉटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स एंड इंकजेट प्लॉटर्स. इसके बाद है स्पीकर. स्पीकर आर आउटपुट डिवाइसेस दैट गिव साउंड एज आउटपुट. स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो हमको साउंड एज अ आउटपुट देती है. द कंप्यूटर स्पीकर्स डिजाइन टू बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम आर स्मॉल प्लास्टिक बॉक्सेस विद अ मेडियोक्सर साउंड क्वालिटी. और जो कंप्यूटर स्पीकर्स होते हैं वो भी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए छोटे छोटे प्लास्टिक बॉक्सेस में इनको बनाया जाता है, जिनके साउंड क्वालिटी भी अच्छी होती है. सम कंप्यूटर सिस्टम हैव इनबिल्ट स्पीकर. कुछ कंप्यूटर सिस्टम में इनबिल्ट स्पीकर्स होते हैं जो कंप्यूटर के साथ ही अंदर लगे होते हैं, बट दीज डू नॉट हैव गुड साउंड क्वालिटी. लेकिन इनकी जो साउंड क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है, ठीक नहीं होती है. लैपटॉप कम्स विद इंटरनल स्पीकर ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड स्पेस. और इसी तरीके से जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें भी इंटरनल स्पीकर्स होते हैं, तो उनका भी काफ़ी स्पेस कम होता है, इसलिए उनको अंदर ही लगाया जाता है. दिस मीन्स डैट द स्पीकर्स प्रोड्यूस लो क्वालिटी साउंड एंड द साउंड क्वालिटी इज़ नॉट गुड एज डैट ऑफ द एक्सटर्नल स्पीकर. और इस वजह से जो इनकी साउंड क्वालिटी होती है वो लो होती है. और जितना हम साउंड क्वालिटी को एक्सटर्नल स्पीकर से ले सकते हैं उतना हम इंटरनल स्पीकर से साउंड क्वालिटी नहीं ले सकते.
Nowadays, there is a wide range of speakers available due to extensive increase in the media consumptions. और आज के टाइम में मार्केट में काफ़ी वाइड रेंज के स्पीकर्स मौजूद हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, उनको आप परचेज कर सकते हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और आप उसमें एंटरटेन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद आता है रोबोट्स एंड मशीन्स टूल्स। रोबोट्स आर एबल टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क बाई एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम। जो रोबोट्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के टास्क को कर सकते हैं और जो उनको टास्क करना होता है वो उनको पहले से ही इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, उनमें एक पहले से ही प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम बना दिया जाता है जो उनको इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। यू सी अ लॉट ऑफ रोबोट्स एंड एंड्रॉयड्स इन साइंस फिक्शन फिल्म्स। आपने कई फिल्म्स में अपने इस तरीके के रोबोट्स को देखा होगा, लेकिन वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो टू रीच दैट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन हमें इस टेक्नोलॉजी तक पहुँचने के लिए बहुत ही लंबा रास्ता तय करना पड़ा है। रोबोट्स आर यूज इन ऑटोमेटेड मशीन्स डिजाइन टू परफॉर्म मिडन एंड बोरिंग ऑपरेशंस विच रिक्वायर एक्यूरेसी सच एज असेंबलिंग कार्स। जो रोबोट्स का जो हम यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटेड मशीन की उसका डिज़ाइन करने में उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनको मतलब काफ़ी बोरिंग ऑपरेशंस होते हैं और हमें लेकिन इन सभी ऑपरेशंस को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करना होता है, तो कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है करने के लिए, तो हमने इनके लिए क्या करा है, रोबोट्स को डिज़ाइन किया हुआ है। दे आर ऑल्सो यूज इन प्लेस लाइक मेटेगलरी वेयर एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर्स एंड प्रेशर एग्जिस्ट। और हमने इनको उस जगह भी प्लेस किया है यहाँ पर काफ़ी कंडीशंस बहुत ही एक्सट्रीम होती है, काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम उसका प्रेशर होता है, तो वहाँ पर हम रोबोट्स का ही यूज़ करते हैं। मशीन्स टूल्स आर यूज इन मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स एंड फैक्ट्रीज। जो मशीन टूल्स होते हैं उनका यूज़ हम मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स में या उनकी फैक्ट्रीज में किया जाता है। दीज हैव अ क्लियर एडवांटेज ओवर ह्यूमंस इन टर्म्स ऑफ हाई एक्यूरेसी एंड डिलीजेंस। और इनका जो सबसे क्लियर एडवांटेज है वो है कि ये काफ़ी हाई एक्यूरेसी और डिलीजेंस के साथ वर्क करते हैं। जितनी एक्यूरेसी हम ह्यूमंस से नहीं ले पाते उतनी एक्यूरेसी हमें ये मशीन्स दे देती हैं। दे कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एक्यूरेटली विदाउट अ कॉफ़ी ब्रेक। और ये काफ़ी लॉन्ग आवर्स तक, लॉन्ग टाइम तक ये काम कर सकती हैं और इनको कोई भी कॉफ़ी ब्रेक की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ये सभी आपके आउटपुट डिवाइसेस थे जिनका यूज़ हम कंप्यूटर्स के साथ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू क्लास।